ये भक्तों की भीड़, हाथ में अलग सा झंडा। ये नजारा जैसलमेर का है। पश्चिम राजस्थान में हर साल होने वाला बाबा रामदेव का मेला आज से शुरू हो गया है। इस मेले का आगाज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि से होता है, लेकिन भक्तों का आना पिछले एक महीने से चालू है। यहाँ भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। भारत के कई राज्यों से लोग पैदल चलकर बाबा रामदेव के रुणिचा धाम पहुंचते हैं। उनके हाथों में एक खास ध्वज यानी झंडा होता है, जिसे नेजा कहते हैं। इस ध्वजा पर बाबा रामदेव के पद चिन्ह यानी पगलिया छपे होते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि उनकी मनोकामना पूरी होने पर वो इस नेजा को बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं कि भक्त नेजा लेकर आए हैं। ये लोग हजारों किलोमीटर का पैदल सफर तय करके आए हैं। ये नेजा को लेकर उनकी श्रद्धा और विश्वास है। जोधपुर से आए एक भक्त ने बताया कि उन्होंने और उनके साथियों ने 4 दिन में ये यात्रा पूरी की और नेजा बनाने में 3 दिन का समय लगा। ये नेजा 51 फीट लंबा है। इसका वजन 15 किलो है। बारिश होने पर इसका वजन और बढ़ जाता है। 10 जन है हम। 4 दिन हो गए हमें आए चलते हुए। बाबा का झंडा लेकर आए हो, वहाँ से आप बनवा के लेकर आए हो? हाँ, जोधपुर से बनवाया। अच्छा, कैसे बनवाते हो ये? दर्जी से कपड़ा अलग से लिया। हाँ। इसका डंडा ही अलग से लिया। कितना वजन हो जाता है इस झंडे का? इसका होगा 15 किलो समथिंग हो जाएगा। अच्छा, 15 किलो का। बारिश की वजह से भीगने से ज्यादा हो गया। अच्छा, वहाँ से ही उठा के ला रहे हो? हाँ। क्या मान्यता है और इस झंडे को लाने से क्या आपकी क्या आस्था? आस्था तो बाबा की है, इसलिए मेहरबानी है बाबा। आज से बाबा रामदेव के 640वें भादवा मेले का आगाज हो चुका है। सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना और पंचामृत के अभिषेक के साथ मेला शुरू हुआ। इस मौके पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी सुधीर चौधरी, एसएसपी गोपाल सिंह भाटी, रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तनवर और प्रधान भगवत सिंह तनवर ने बाबा के चरणों में चादर चढ़ाकर पूजा की और देश में शांति और खुशहाली की कामना की। लोकल 18 के लिए जैसलमेर से कुलदीप छंगाणी की रिपोर्ट।